Hello, 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 hello. हेलो 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 हाँ जी हेलो स्टूडेंट्स स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में तो कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करता हूं बहुत ही बेहतरीन होंगे आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार चल रही होगी और कल का खजाना आप सभी को बेहद पसंद आया होगा तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए ऑडियो ऑडियो सब कुछ परफेक्ट है सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन आज के सेशन को शुरू करते हैं ख़जाना में दो बहुत बड़ी बातें हैं जो मैं आप सभी बच्चों को बताना चाहूँगा ख़जाना में आपके लिए एलेवेंथ क्लास के बच्चे के लिए जो एलेवेंथ क्लास से ट्वेल्थ क्लास में जा रहा है ख़जाना वाला वीडियो देखना बेहद आसान है आपको बस मेन चैनल पर जाना है सबसे पहला वीडियो आपको वही मिलेगा ख़जाना वाले बच्चे में ख़जाना में जो बच्चे एलेवेंथ से ट्वेल्थ में जा रहे हैं उनके लिए है Force batch. Force batch. Force force, दो साल से चल रहा है शानदार तरीके से पढ़ाई होती है कोर्स टू पॉइंट ओ के बच्चों को रफ्तार बैच इस साल हम फ्री दे रहे हैं वो रफ्तार बैच जो एक महीने में बहुत ही शानदार तरीके से रिवीजन कराएगा आई और एन की टीम के साथ हिंदी मीडियम के बच्चे को एजुकेशन दे रहे हैं अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर यह आपके लिए सबसे बड़ा खजाना था जो फोर्स थ्री पॉइंट का बच्चा होगा उस बच्चे को सारे आई और एनआईटीएंस की टीम पढ़ा रही होगी जो फोर्स थ्री पॉइंट का बच्चा है एक सब्जेक्ट पंद्रह सौ रुपए वन सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट लेते हो तो इक्कीस सौ निन्यानवे आप दे सकते हो दो सब्जेक्ट लेते नौ सौ रुपए का फायदा हो गया सीधा सीधा और कॉम्बो लेते हो तो तीन हजार में मतलब टू ट्रिपल नाइन लगभग तीन हजार ही हो गया तीन हजार में आपको तीन सब्जेक्ट का कॉम्बो मिल जाएगा जिसमें इंग्लिश फ्री है तो आप कह सकते हैं एक तरह से फोर सब्जेक्ट्स हो गए यहां पर आप अलग अलग कोर्स परचेस करते हैं और उसकी जगह अगर आप कॉम्बो लेते हैं तो तीन सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट के प्राइस में आप दो सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ोगे है ना तो उम्मीद करता हूं आपको खजाना बेहद पसंद आया होगा और अभी इलेवेंथ क्लास के बच्चों के लिए तो मेन सरप्राइज बाकी है इलेवेंथ क्लास के बच्चों के लिए पुष्पेंद्र सर लेकर के आ रहे हैं बुनियाद सीरीज बुनियाद सीरीज का जो उद्देश्य वो पता है क्या है बुनियाद सीरीज का उद्देश्य यह है कि जो बच्चा इलेवेंथ क्लास से ट्वेल्थ क्लास में जा रहा है उस बच्चे को अभी यह बताना बहुत जरूरी है उस बच्चे को अभी ये पढ़ाना बहुत जरूरी है कि बेटा आपकी क्लास इलेवेंथ के कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो क्लास ट्वेल्थ में आपको बहुत ज्यादा दुख दे सकते हैं तो उन चैप्टर्स को कंप्लीट करके ही कंप्लीट करके ही कंप्लीट करके ही आप ट्वेल्थ में जाएंगे तो बेहतरीन रहेगा है ना इसीलिए बुनियाद चीज रखी गई है क्लास इलेवंथ के लिए और उसमें आपको वो सारे चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे जो क्लास ट्वेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है ओके okay? तो मोमेंटम बैच वाले बच्चों को जो है फोर्स वाला जो बैच है उस बैच में आप आराम से एनरोल हो सकते हो एक और खास बात ध्यान से सुनो फोर्स 3.0 के जो बच्चों जो बच्चों ने मोमेंटम 2.0 का बैच ले रखा है उन बच्चों को एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा फोर्स 3.0 में तो जो भी बच्चे मोमेंटम बैच से हैं जिन्होंने मोमेंटम बैच परचेस कर रखा है उन मोमेंटम बैच के बच्चों के लिए सरप्राइज है कि उनको डिस्काउंट मिलेगा वो कौन सा डिस्काउंट है क्या है उसके लिए आपको कॉल करना पड़ेगा टीम को और आपको जानकारी मिल जाएगी मोटी मोटी बात इतनी कहूंगा कि मेहनत का समय आ गया है पढ़ाई करने का समय आ गया है बस लग जाओ पढ़ाई पर और रफ्तार के लिए तो तैयार ही हो जाना रफ्तार तो बहुत शानदार तरीके से एक जनवरी से स्टार्ट होने जा रहा है जो बच्चे अभी ट्वेल्थ में चलो शुरू करें आज की कहानी स्टार्ट करते हैं आज हम एलकेन के रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे तो आज आप हेडिंग लगाए एलकेन के रासायनिक गुणधर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन को आज अपन करने वाले हैं एलकेन के रासायनिक गुणधर्म केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन केमिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन तो चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन से स्टार्ट करते हैं जो बच्चा यहां तक चीजों को देखने आया है मैं ये मान के चलता हूँ कि उस बच्चे ने इसके पहले वाले लेक्चर्स देख रखे होंगे एलकेन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड और एलकेन के फॉर्मूले कैसे बनते हैं सी एन एच टू प्लस टू से बनते हैं एल्केन का निर्माण कैसे होता है एलकेन के निर्माण के लिए हमने जितनी भी विधियां सीखी हैं मैं उम्मीद करता हूं कि यहां जो भी बच्चा आया है वो उन सभी विधियों को रिवाइज करके आया है ना वो उन सभी विधियों को क्या करके आया है रिवाइज करके आया है तो अब हमारे जीवन का उद्देश्य क्या बनता है कि अब हम बने हुए एल्केन से आगे की अभिक्रियाएं कैसे होंगी उसके बारे में बात करें जो आपका एल्केन बनकर के तैयार है जो आपका एल्केन बनकर के तैयार है वो एल्केन अभिक्रियाएं कैसे करेगा वो रिएक्शंस कैसे करेगा हम उसकी तरफ चलते हैं और एल्केन की रासायनिक गुणधर्म में उसकी अभिक्रियाएं आने वाली हैं और पहली अभिक्रिया हम देखने जा रहे हैं उसका हेलोजनीकरण तो इसमें पहली अभिक्रिया जो आज की क्लास में कवर होगी वो है एलकेन का वो है एलकेन का हेलोजनीकरण हेलोजिनेशन ऑफ एलकेन मतलब हेलोजनीकरण हेलोजनीकरण का मतलब होता है हेलोजन का जुड़ना तो इस रिएक्शन में जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसमें जो आपको ये टर्म दिखाई दे रही है ना हेलोजनीकरण इस हेलोजनीकरण का मतलब है हेलोजन का जुड़ना तो आज की अभिक्रिया में हम ये सीखेंगे कि आप एक एल्केन के अंदर हेलोजन को किस प्रकार से जोड़ सकते हो तो क्या सभी तैयार है बच्चा पार्टी तो हेलोजनीकरण का मतलब है हेलोजन का जुड़ना तो हम हेलोजन का जुड़ना सीखेंगे अब समझना इसमें कहानी किस प्रकार से होती है दिस इज फर्स्ट क्लास ऑन अखिलेश यादव स्वागत है बेटा आपका बट मैं एक बात कहूंगा कि आज की क्लास को समझने में पूरी कोशिश करना बट उससे पहले पुरानी ऑर्गेनिक के लेक्चर्स देखे होना बेहद आवश्यक है तभी आज की क्लास आपको मक्खन हो सकती है बट जो बच्चा पहली बार इस चैनल पर आ रहा है मैं आपको जरूर कहूंगा कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शुरुआत करो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्ले में जाओ और फर्स्ट वीडियो से देखना शुरू करो मजा आ जाएगा मान लेते हैं आपने एक एल्केन ले लिया सी एच फोर ठीक है मान लेते हैं आपने एक एलकेन ले लिया सी एच फोर हमारे को अभिक्रिया करानी है हेलोजन से है ना हेलोजन हमारे पास चार प्रकार के होते हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तो हेलोजन में हमारे पास कितने फ्लेवर हैं हेलोजन में हमारे पास केवल चार फ्लेवर है फ्लोरिन फ्लोरिन ब्रोमीन एंड आयोडीन ये चार फ्लेवर हमारे पास हैं तो हमने हेलोजन की अभिक्रिया कराई क्लोरीन से सी एल टू से करा रहे हैं ठीक है क्लोरीन गैस से क्लोरीन से कराई इसमें आपको तीन ऑप्शंस देखने को मिलते हैं सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि ये अभिक्रिया हम करा रहे हैं अंधेरे में मतलब ये रिएक्शन अपन किस में करा रहे हैं ये रिएक्शन अपन बिल्कुल डार्क में करा रहे हैं अंधेरे में करा रहे हैं बिल्कुल अंधेरे में, ठीक है? अगर आप पोल की अभिक्रिया Cl2 से कराने की कोशिश करोगे और यह अभिक्रिया अगर आपने अंधेरे में कराई तो बेटा रिएक्शन होगी ही नहीं अगर आप अंधेरे में अभिक्रिया कराओगे तो यहां आप लिख सकते हो कोई अभिक्रिया नहीं कोई अभिक्रिया नहीं कोई अभिक्रिया नहीं नो no रिएक्शन कोई अभिक्रिया नहीं तो अगर आप अंधेरे में कराओगे अंधेरे में कराओगे तो किसी भी प्रकार की कोई अभिक्रिया नहीं होगी कोई रिएक्शन नहीं होगी कहने का मतलब यह है कि काम बनेगा ही नहीं अगर आपने इसकी रिएक्शन कराई डायरेक्ट सनलाइट में अगर आपने इसकी रिएक्शन कराई डायरेक्ट सनलाइट डायरेक्ट सनलाइट का मतलब होता है सीधा सूर्य का प्रकाश आप ये कर सकते हो कि आपने रिएक्शन करवाने के लिए जो आपका CH4 है उसको और सीएल टू था उसको ले जाकर के आपने सीधा सूर्य के प्रकाश के अंदर रख दिया तो अगर आप सीधा उसको ले जाकर के सूर्य के प्रकाश के अंदर ले जाकर रख दोगे तो वहां पर तो रिएक्शन होगी पर उत्पाद बहुत कमाल का बनेगा देखना अगर आप सीएच फोर की अभिक्रिया क्रिया सीएल टू से कराते हो डायरेक्ट सनलाइट में सीधे सूर्य के प्रकाश में तो सबसे पहले तो कार्बन ब्लैक अलग हो जाएगा मतलब जो कार्बन है वो अलग हो जाएगा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ी हुई है वो हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ निकल करके क्लोरीन के साथ मिलकर के हाइड्रोजन क्लोराइड अर्थात एस बना लेगी और ये एस फ्यूम्स के रूप में धुएं के रूप में बाहर निकलेगी अब आप बोलोगे सर एक काम करो ना आप इस रिएक्शन का थोड़ा सा हमको फील दो हम इसका फील नहीं ले पा रहे इसका फील लेना बेहद आसान है जब आप कपूर जलाते हो आरती के समय जब भगवान जी की आरती करते हैं उस समय जब कपूर जलता है तो कपूर में धुआं हो रहा होता है और ब्लैक ब्लैक नोटिस करना ब्लैक ब्लैक पाउडर दिखाई देता है वहां पे काला काला तो कुछ वैसा ही कि कार्बन ब्लैक बनेगा ब्लैक कलर का पाउडर और एस जो है उस धुएं की तरह रहेगा जो कपूर को जलाने पर हमें वहां पे दिखाई देता है बेटा एक बात और कुछ बच्चे यहाँ पर दिमाग लगा सकते हैं कि चार चार हाइड्रोजन है दो सीएल है हाइड्रोजन क्लोराइड कितने बनेंगे वगैरह वगैरह पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको जितनी भी रिएक्शंस बताऊंगा उनको बैलेंस करने की किसी भी प्रकार की कोई भी आवश्यकता नहीं है और यहां लिखा हुआ है सीएच फोर इसका मतलब ये नहीं कि एक ही सी एच फोर है कितने भी सी एच फोर हो सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बस रिएक्शन में जो मेन मेन चीजें हैं उनको लिखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मोटे मोटे तौर पर रिएक्शन बैलेंस हुई भी नहीं मिलने वाली है तो इस बात को लेकर के परेशान नहीं होना है तो अगर आप इसकी अभिक्रिया डायरेक्ट सनलाइट में कराओगे तो क्या बनेगा याद होगा सबको लिख दो कमेंट सेक्शन में कार्बन ब्लैक बनेगा और साथ में एस की फ्यूम्स जो है वो निकल करके आएंगी अब इसके बाद अगर हम डिफ्यूज सनलाइट देखें डिफ्यूज सनलाइट का मतलब क्या होता है मतलब होता है कि सूर्य का प्रकाश जो है वो थो थोड़ा सा मंद है, मंद प्रकाश. ये है है प्रकाश 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 सीधा सीधा सूर्य का आप कह सकते हो कि हम कोई खिड़की लगा लगा दी हमने कांच दिया तो मंद प्रकाश अगर हम काम में लेंगे उसको बोलते हैं डिफ्यूज सनलाइट और प्रकाश के लिए आपको सबको पता है केमिस्ट्री में आपने पढ़ रखा है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और विद्युत चुंबकीय तरंग में एनर्जी के छोटे 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 पैकेट होते हैं उस पैकेट को क्वांटा कहते हैं और उस पैकेट की एनर्जी होती है एक क्वांटा की एनर्जी होती है म्यू के बराबर है ना तो सूर्य के प्रकाश को कभी कभी नोटेशन के रूप में म्यू से भी दिखा देते हैं तो कभी कभी आपको बुक्स के अंदर ऐसे म्यू लिखा हुआ दिखे तो समझ जाइएगा कि यहां पर सूर्य का प्रकाश लिखा हुआ है तो जब आप ऐसा करेंगे तो क्या चीज होगी सुनिएगा आपके पास सी एच फोर है सीएल टू है दो सीएल हो गए एक एच एक सीएल को लेकर निकल जाएगा और दूसरा सीएल कार्बन के ऊपर जाकर के लग जाएगा तो इस हिसाब से आपका बनेगा सी एच थ्री सीएल और साथ में बनेगा एस सी एल तो एक एच एक सीएल को लेकर के निकल गया दूसरा वाला सीएल जाकर के इस कार्बन पे लग गया तो वो आपका बनकर के तैयार हो गया सी एच थ्री सी एल ये रिएक्शन ऐसे रुकती नहीं है चलती ही जाएगी आगे क्या होगा बेटा अगर इसको और सी एल टू मिल जाए तो समझना क्या होगा ये दूसरा वाला एच भी Cl के साथ निकल जाएगा और एक सी एल आकर के इस जगह पे लग जाएगा तो ये बनेगा सी एच टू सी एल टू दो सी एल बचेंगे और दो क्या हो जाएंगे हमारे पास एच हो जाएंगे अगर आप इस अभिक्रिया को यहां नहीं रोकते हो तो ये रिएक्शन और आगे जा सकती है इस रिएक्शन को और आगे लेके जाना भी संभव है अगर आप इसकी रिएक्शन और सी एल टू से कराओगे तो अब ये जो एक और एच है ये एक और एच को एक और सी एल लेकर के निकलेगा और एक सी एल आकर के उसके ऊपर चिपक जाएगा तो यहां पर बन जाएगा सी एच सी एल थ्री याद रखिएगा सी एच सी एल थ्री का एक नाम है बाकायदा सी एच सी एल थ्री को हम एक नाम से पुकारते हैं वो नाम है दिख रहा है ठीक है क्लोरोफॉर्म सी एच सी एल थ्री को एक नाम से पुकारा जाता है और सी एच सी एल थ्री को क्या बोलते हैं अपन क्लोरोफॉर्म अगर आप इसकी रिएक्शन अभी भी नहीं रुकेगा और सीएल टू से कराओ तो फिर ये जो एक एच बचा हुआ है ये एच को भी Cl लेके निकल जाएगा और दूसरा सी एल यहां पर आकर के लग जाएगा और ये बन जाएगा सी सी एल फोर तो ये रिएक्शन कहां पर जाकर के रुकेगी समझ आया ये रिएक्शन जाकर के रुकेगी कार्बन टेट्रा क्लोराइड पर रिएक्शन कहां पे जाकर के रुकेगी रिएक्शन जाकर रुकेगी कार्बन टेट्रा क्लोराइड पर सी फोर पर जाकर के रिएक्शन रुकेगी मजा आया कि नहीं आया जल्दी से हाथ ऊपर करके बताएंगे सभी बच्चे कि हाँ सर बहुत मजा आया अच्छा लगा जल्दी से हाथ ऊपर करके बताएंगे ये कहां जाकर के रुकेगी ये रिएक्शन जाकर रुकेगी कार्बन टेट्रा क्लोराइड के ऊपर मतलब सीएच फोर की रिएक्शन सीएल टू से करा रहे हो तीन बातें याद रखनी है मैं चाहता हूं कि आप को मेरे साथ साथ याद करते हुए चलो देखो तीन तरह से हो रहा है अगर आप अंधेरे कमरे में कराओगे नो रिएक्शन कुछ नहीं होगा अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में कराओगे तो यहां से कार्बन अलग और एच जो है वो सीएल को लेकर निकल जाएगा और एच सी एल की फ्यूम बन जाएंगी अगर आप डिफ्यूज सनलाइट में कराते हो अगर आप मंद प्रकाश में कराते हो तो कोई दिक्कत नहीं है मजा आ जाएगा मंद प्रकाश में एक एच एक सीएल को लेके निकलेगा और एक सीएल आकर के एच की जगह लग जाएगा ऐसे सी एस थ्री सी वापस चलोगे रिएक्शन चलती जाएगी और सी टू आपने डाला तो एक और एच निकलेगा एक और सीएल आकर लग जाएगा एक और एच निकलेगा एक और सीला के लग जाएगा सी एस सी एल थ्री क्लोरोफॉर्म वो सास बहू के सील में दिखाते नहीं है कि एक रुमाल लेकर के आए उसके ऊपर कोई लिक्विड डाला और फिर ऐसे सुंगा दिया और आदमी बेहोश हो गया सास बहू के सीएस में जनरली ऐसा होता है वो क्लोरोफॉर्म ही होता है पर याद रखना क्लोरोफॉर्म से आदमी बेहोश नहीं होता इतनी जल्दी होश रहता है उसको तो सास बहू के सीएल देख करके केमिस्ट के पास गए क्लोरोफॉर्म खरीद के लेकर के आ गए और फिर उसके ऊपर करके और किसी को आपने बेहोश करने की कोशिश करी वो आदमी कम से कम दस थप्पड़ में जड़ेगा ध्यान रखना बेहोश होने से पहले तो इतना आसान नहीं होता कि बस यूं रखा और पड़ गए इतना आसान नहीं होता ठीक है चलिए बॉस अब एक और एच निकलेगा सी सी सीसीएफ बन जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड अब हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म समझेंगे कि ये जो चीज हुई है जो दिख रहा है ना आपको ये जो चीज हुई है ये आखिर कैसे हो गई इसके मैकेनिज्म को अब हम समझने की कोशिश करेंगे तो चलिए ध्यान से देखते हैं अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझने की कोशिश करेंगे अभिक्रिया के मैकेनिज्म को देखो बेटा ये जो रिएक्शन हो रही है ये एक चेन की तरह चल रही है ये हुआ फिर तो उसके बाद और उत्पाद बना और उत्पाद बना और उत्पाद बना तो इस टाइप की जो रिएक्शन है ये जो रिएक्शन हुई है इस रिएक्शन को चेन रिएक्शन या श्रृंखला अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है लिखेंगे कमेंट सेक्शन में कि इसको चेन रिएक्शन या श्रृंखला अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है तो ये चेन रिएक्शन इसको चेन रिएक्शन या हम श्रृंखला अभिक्रिया भी कहते हैं अब आज की अभिक्रिया की क्रियाविधि समझने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी है ना बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा देखो अभी-अभी आपके सामने एक कांड हुआ है कांड का मतलब है केस हो गया आपके सामने कि CH4 जो है उसने Cl2 से अभिक्रिया कर ली मंद सूर्य के प्रकाश में और बन गया CH3Cl और साथ में बन गया HCl ये प्रक्रिया हो गई आपके आंखों के सामने जैसे कहीं पे मान लो कोई मर्डर हो गया वो केस हो गया अब पुलिस आएगी और पुलिस आकर के उस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करेगी फिर पुलिस अपनी एक कहानी बनाएगी और उस कहानी को जाकर के थाने में पेश करेगी कोर्ट में पेश करेगी कि सर ऐसा ऐसा हुआ होगा और हमारे हिसाब से ये भाई साहब जो हैं ये इसके गुनगार हैं ठीक है थीके? वैसे ही केमिस्ट्री में क्या होता है जो रिएक्शंस हो गई हैं जो कांड हो गया है जो कांड हो गया है उस कांड उस कांड कहानी बनाई जाती है ये हुआ कैसे होगा कौन सा बंदा कहाँ गया होगा कौन सा बंदा कैसे किया होगा ये कांड आखिर हुआ, हुआ कैसे होगा और उस कहानी वो जो कांड हुआ है ना उस कहानी को क्रियाविधि के नाम से जानते हैं उस कहानी को किस नाम से जानते हैं उस कहानी को क्रिया विधि के नाम से जानते हैं तो अब हम वो क्रियाविधि देखना शुरू कर रहे हैं इस कांड की क्रियाविधि उस क्रियाविधि को हम हमारी भाषा में क्या बोलेंगे कर्म बोलेंगे और ऐसे आपका पूरा होगा कर्म कांड ऐसे आपका पूरा होगा कर्म कांड ठीक शुरू करें कोई भी अभिक्रिया अगर श्रृंखला अभिक्रिया जैसे कि यह है कोई भी अभिक्रिया अगर श्रृंखला अभिक्रिया है तो श्रृंखला अभिक्रिया के तीन पद होते हैं कोई भी श्रृंखला अभिक्रिया के मैं इधर ही लिखता हूं ना अच्छा रहेगा है ना ठीक है क्योंकि एक श्रृंखला अभिक्रिया है तो कोई भी अगर श्रृंखला अभिक्रिया हो जिसे हम चेन रिएक्शन के नाम से जानते हैं तो कोई भी श्रृंखला अभिक्रिया के तीन पद होते हैं पहला श्रृंखला को प्रारंभ करने वाला पद जिसको बोलते हैं श्रृंखला प्रारंभ पद मतलब कोई भी चेन रिएक्शन में सबसे पहला वह पद वो होता है सबसे पहला स्टेप वो होता है जो रिएक्शन को स्टार्ट करता है मतलब सबसे पहला पद हम कौन सा लेके चलते हैं सबसे पहला पद हम वो लेके चलते हैं जो रिएक्शन को किक स्टार्ट करता है जिसके कारण आपकी रिएक्शन स्टार्ट होती है इसको इंग्लिश में कहा जाता है चेन इनिशिएशन स्टेप क्या बोलते हैं इसको इसको हम बोलते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप चेन श्रृंखला को प्रारंभ करने वाला पद इसमें क्या होता है सबसे पहले जो आपका क्लोरीन है दोनों क्लोरीन ने अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन रख रखे हैं और दोनों क्लोरीन ने अपने अपने जो एक इलेक्ट्रॉन रखे हैं उनसे उनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है तो सबसे पहले स्टेप में जो इन सब कांड को शुरू करता है बीच में से बॉन्ड ब्रेक होता है ऐसे इस तरह से तो जब एक सीएल और दूसरे सीएल के बीच में से बॉन्ड ब्रेक होता है तो यह एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है और यह वाला इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है हमेशा याद रखिएगा एक इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग अपन ऐसे दिखाते हैं इसको बोलते हैं मछली पकड़ने वाला हुक। तो इसको फिश हुक एरो के नाम से भी जानते हैं तो जब भी कभी आपको एक इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग दिखाने की नीड पड़े तो आप इस मछली पकड़ने वाले हुक की तरह फिश हुक एरो जो है उस फिश हुक एरो को काम में ले सकते हो ठीक है ओके हाँ आगे जब यहां से बीच में से डाइवर्ट होता है तो कहानी ऐसे बनती है इस एक सीएल के पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है और दूसरे सीएल के पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है मैंने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको यह पढ़ा रखा है कि जब भी बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हो कि एक इलेक्ट्रॉन इस सीएल के पास और एक इलेक्ट्रॉन इस सीएल के पास या दोनों को अपना अपना इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो उसे हम मुक्त मूलक के नाम से जानते हैं उसे हम फ्री रेडिकल के नाम से जानते हैं तो ये जो सीएल आपको दिख रहा है ये है एक्चुअल में क्लोरीन का ये है एक्चुअल में क्लोरीन का मुक्त मूलक क्या है बच्चा यह है एक्चुअल में क्लोरीन का मुक्त मूलक तो इस तरह से हमें क्लोरीन का मुक्त मूलक प्राप्त होता है ये वो कांड है जो अभिक्रिया को शुरू करता है सारी चीजें यहीं से शुरू होती हैं जब श्रृंखला प्रारंभ पद को अच्छे से समझ लिया जाता है तो उसके पास दूसरा पद जो है वो आता है जो श्रृंखला को आगे बढ़ाने का काम करता है इसे बोलते हैं श्रृंखला संचरण पद अभिक्रिया को आगे बढ़ाने का काम करता है तो इसको कहा जाता है श्रृंखला संचरण पद चेन प्रोपोगेशन स्टेप इसको कहा जाता है चेन प्रोपोगेशन स्टेप अब इसको देखते हैं इसमें क्या होता है वॉल्यूम क्या ज्यादा है क्या आवाज़ चुप रही है क्या मेरी आवाज़ hmm? चुप तो नहीं रही है मेरी ज्यादा क्लास ट्वेल्थ में पढ़ाए हाँ पढ़ाया क्लास ट्वेल्थ में ट्वेल्थ में वापस आएगा सेम टॉपिक तो यहाँ तो इलेवंथ वाले बच्चे भी बैठे हुए हैं यहाँ पे तो इलेवेंथ वाले बच्चे बैठे हुए हैं उनको भी तो पढ़ाना पड़ेगा बॉस पढ़ाना पड़ेगा ना हेलो श्रृंखला संचरण पद में क्या खास होता है ये वो पद होता है बेटा जो अभिक्रिया को आगे बढ़ाने का काम करता है मतलब इसमें हमेशा इसमें हमेशा उत्पाद के अंदर हमेशा उत्पाद के अंदर एक ऐसी चीज जरूर बनती है इस पद में अभिक्रिया में उत्पाद के अंदर एक ऐसी चीज जरूर बनती है जो रिएक्शन को वापस से स्टार्ट करवा सकती है मतलब अभी जब मैं आपके सामने श्रृंखला संचरण पद लिखूंगा ना तो इसके उत्पाद में देखना एक ऐसा बंदा जरूर बनेगा जो वापस जा करके रिएक्शन को किक स्टार्ट कर सकता है लेट्स हैव संचरण पद में हमेशा मोटी मोटी बातें अच्छे से पता होनी चाहिए श्रृंखला संचरण पद के बारे में ध्यान से जान लो समझ लो बेहतर रहेगा श्रृंखला संचरण पद के अंदर हमेशा एक ऐसा बंदा जरूर बनेगा जो रिएक्शन को आगे बढ़ाने का काम करेगा यह जो सीएल का डॉट बना है कलर चेंज ये सीएल का डॉट ये सीएल का डॉट फोर के सामने जाएगा ये सीएल का डॉट फोर के सामने जाएगा अब क्या होगा देखना पीएल का डॉट हाइड्रोजन को बोलेगा यार मेरी बात सुन मेरे साथ मिलकर के बॉन्ड बनाएगा हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक बंदा है मिस्टर एसलियन नाम से वो ऐसी एक इमोजी भेज रहे हैं ऐसी वाली सर ये टॉपिक जो है ना मुझे ऐसा लगता है पहले हो चुका है ये टॉपिक तो पहले हो चुका है ना और फिर ऐसी मोजी आ रही है यू हटखट कट। जो क्लास इलेवेंथ का बच्चा देख रहा है सुनो हेलो एलकेन के बारे में आपको नहीं पता आपको एलकेन के बारे में पता है एलकेन कैसे अभिक्रिया करता है वो क्लास इलेवेंथ में एलकेन सीएल टू से अभिक्रिया कर रहा है और क्या बना रहा है ये जो चीज है ना है हेलो एलकेन क्लोरोमिथेन

जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी रिएक्शन बहुत ज्यादा काम आती है दैट रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो हमेशा इस बात पर फोकस करिएगा चलिए तो यहां पे वो हाइड्रोजन को बोलता है कि एक काम कर तो अपना इलेक्ट्रॉन ले ले कार्बन को उसका इलेक्ट्रॉन दे दे मेरे साथ आ जा और बॉन्ड बना ले तो ये जो H का डॉट होगा जो यहां से बनेगा ये H का डॉट इस Cl के साथ मिलकर के क्या बना लेगा HCl बना लेगा ये H का डॉट इस Cl के साथ मिलकर क्या बना लेगा एच सी एल बना लेगा सी एच तीन है CH3 थ्री तो यहां बनेगा CH3 थ्री का डॉट मैंने कहा था ना एक बंदा ऐसा पक्का बनता है इस स्टेप में जो रिएक्शन में आगे जाकर के की कीड़े कर सकता है रिएक्शन को आगे चला सकता है अब ये जो CH3 थ्री का डॉट है ये सीएच थ्री का डॉट आगे जाकर के पड़े हुए सीएल टू में दिक्कत क्रिएट करेगा वो पड़े हुए सीएल टू को बोलेगा सुन मेरी बात वो पड़े हुए सीएल टू को बोलेगा सुन मेरी बात ये बॉन्ड तेरे पर शिफ्ट करा ये बॉन्ड तेरे पर शिफ्ट करा आजा अपन दोनों बॉन्ड बनाते हैं जैसे इस सीएल ने हाइड्रोजन को लुभाया ना कि आजा अपन दोनों बॉन्ड बनाते हैं वैसे ही इसको लुभाएगा और बनेगा सीएच थ्री प्लस ये का डॉट अलग हो जाएगा देखा अभी भी एक ऐसा बंदा जरूर बना है उत्पाद में जो आगे जाकर के कीड़े कर सकता है एक बंदा जरूर बना है उत्पाद में जो आगे जाकर के कांड कर सकता है सही कह रहा हूं तो फिर बस ये वापस जाकर कीड़े कर सकता है ये साइकिल चलती रहेगी तो हमेशा श्रृंखला संचरण पद में आपको वो पद देखने को मिलेंगे जो पद रिएक्शन को आगे से आगे ले जा करके जा सकते हैं समझ आ गया हो तो हाथ ऊपर करें ठीक है बेटा बढ़े आगे चलो लेक्चर थर्ड मतलब इसका स्टेप थर्ड में आता है श्रृंखला समाप्ति पद इसमें आएगा चेन टर्मिनेशन स्टैप इसके अंदर आएगा चेन टर्मिनेशन स्टैप तीसरा स्टेप ये होता है अब चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या चीज आती है बताऊ चेन टर्मिनेशन स्टेप में ये आता है चेन टर्मिनेशन स्टेप में ये आता है वो सारे स्टेप जो रिएक्शन को खत्म कर सकते हैं वो सारे स्टेप जो रिएक्शन को खत्म कर सकते हैं वो आते हैं श्रृंखला समाप्ति पद में चेन टर्मिनेशन स्टेप में अब इमेजिनेशन करो कि कौन कौन से स्टेप से रिएक्शन खत्म हो सकती है पहला ये जो दो सी एल टू के डॉट घूम रहे हैं ना अगर ये दो सी एल टू के डॉट आपस में मिल जाए बात खत्म सी एल टू बन गया अब इसके आगे तो रिएक्शन जा नहीं सकती ये जो सी एस थ्री का डॉट आगे जाके कीड़े करने वाला है ना ये सी एस थ्री का डॉट अपने ही जैसे दूसरे सी एस थ्री के डॉट से मिल करके बना ले सी एस थ्री सी एस थ्री तो भी रिएक्शन समाप्त हो गई बात खत्म ये सीएससी का डॉट इस सीएल के डॉट के, के साथ मिलकर के सीएसटी सीएल बना ले तो भी आपकी रिएक्शन समाप्त हो गई इस स्टेप में हमेशा यह बात ध्यान रखना कि जो आपके उत्पाद बनेंगे इस स्टेप में हमेशा ये बात ध्यान रखना इस स्टेप में हमेशा ये बात ध्यान रखना कि जो आपके बंदे बनने वाले हैं ना जो आपके बंदे बन रहे हैं वो उनके साथ ऐसा कोई भी बंदा नहीं बनेगा जो आगे रिएक्शन कर सके यहां जो भी उत्पाद बन रहे हैं उनके साथ में एक्स्ट्रा ऐसा एक भी उत्पाद नहीं बनेगा जो आगे जाके रिएक्शन कर सके ठीक तो ये था आपका चेन इनिशिएशन चेन प्रोपोगेशन और चेन टर्मिनेशन अब मैं आपको ना इसकी एक फीलिंग देता हूं मैं इस टॉपिक को फील कराने की कोशिश करता हूं ठीक है ध्यान से देखना इस टॉपिक को फील कैसे कराते हैं एक रिएक्शन हो रही है Cl2 जो है वो Cl के डॉट और Cl के डॉट में कन्वर्ट हो रहा है किसी जगह एक Cl का डॉट वापस से दूसरे Cl के डॉट के साथ मिलकर के Cl2 बना रहा है एक जगह ऐसा हो रहा है कि Cl का जो डॉट है वो CH4 के पास गया उसमें से हाइड्रोजन खींची और CH3 डॉट बनाया और साथ में HCl बन गया एक जगह ऐसा हो रहा है कि CH3 का डॉट गया उसने सी एल टू को परेशान किया और उससे सी एस थ्री का डॉट उससे सी एस थ्री सी एल और सी एल का डॉट बना लिया एक जगह ऐसी है जहाँ पर सी एस का डॉट जो बना था ये वाला ये सी एस का डॉट दूसरे सी एल टी सी एस के डॉट के साथ मिल करके सी एस सी एस बना रहा है एक जगह ऐसा हुआ कि ये सी एस का डॉट इस सी एल के डॉट के साथ मिल करके सी एस सी एल बना रहा है

ऐसे स्टेप ढूंढो जहां पर रिएक्शन को आगे ले जाने की बात हो रही है जहां पे उत्पाद में जहां पर उत्पाद में ऐसा कुछ बन रहा है जहां पर उत्पाद में ऐसा कुछ बन रहा है जो रिएक्शन को बार 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 आगे बढ़ाए तो यहां पे एक बन रहा है सीएस थ्री डॉट जो रिएक्शन को बार बार आगे बढ़ा सकता है यहां बन रहा है सीएलगढ़ डॉट जो रिएक्शन को बार बार आगे बढ़ा सकता है तो फिर ये दो स्टेप को कहा गया चेन प्रोपोगेशन स्टेप फिर ये फाइनल स्टेप है इसमें ये देखा गया कि जो भी उत्पाद बन रहा है वो आगे कोई रिएक्शन नहीं कर सकता तो इसको कहा गया चेन टर्मिनेशन स्टेप और इस तरह से चीजें और इसी को फिर तीन पार्ट में डिवाइड करके हमने यहां पे लिखा अब उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा जल्दी से कमेंट करके बताइए फिर आगे बढ़ते तो आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है अब ठीक आ रही है आवाज़ ठीक आ रही है क्लियर है मक्खन है ठीक तो है चलो आगे बढ़ते हैं अब स्पेशल पॉइंट देखते हैं ठीक है इसमें देख रहे हैं अपन अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता स्पेशल पॉइंट में अपन देख रहे हैं अभिक्रिया के प्रति अभिक्रिया के प्रति रिएक्टिविटी टुवर्ड्स रिएक्शन है ना? देखो सबसे फास्ट जो रिएक्शन करता है वो F2 करता है। देखो चार है ना आपके पास। आप फ्लोरीन काम में ले सकते हो क्लोरीन ले सकते हो ब्रोमीन ले सकते हो आयोडीन ले सकते हो तो आपके पास चार ऑप्शन है तो अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि उन चार ऑप्शन में सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन कौन करेगा ध्यान से देखो F2 सबसे फास्ट रिएक्ट करता है Cl2 से स्लो Br2 से स्लो सबसे स्लो करता है I2। बात को समझिएगा अब मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूं ये जो आपका F2 है ना ये बहुत तेज अभिक्रिया करता है ये रिएक्शन वेरी फास्ट करता है बहुत तेज अब यह इतनी तेज अभिक्रिया करता है कि वहां पे आग लग जाती है वहां आग लग जाती है बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है बहुत ज्यादा ऊर्जा बाहर निकलती है तो इतनी तेज अभिक्रिया करता है कि वहां पे आग लग जाती है अब क्योंकि वहां पर आग लग रही है तो हम फिर नहीं चाहते ऐसी कोई रिएक्शन हो है ना मतलब अगर ऐसी कोई रिएक्शन हुई ना जहां पर सी जो है वो एफ से मिल रहा है सूर्य के प्रकाश में और सी एच थ्री एफ बन रहा है साथ में आपका एच एफ बन रहा है तो ये जो सी थ्री एफ है ना इसको बनाने का ये तरीका बहुत ही घटिया होगा क्योंकि तो इसमें ये रिएक्शन इतनी फास्ट होगी इतनी ऊर्जा बाहर निकलेगी कि आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे तो सी थ्री एफ को बनाते कैसे हैं सी एफ को बनाने का तरीका आप सीखोगे क्लास ट्वेल्थ में सी एफ को बनाने के लिए हम जो अभिक्रिया काम में लेते हैं उसका नाम है हेलोजन विनिमय एस थ्री एफ को बनाने के लिए जो अपन अभिक्रिया काम में हैं उसका नाम क्या है हेलोजन विनिमय उसको कहा जाता है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन तो कहा जाता है हेलोजन एक्सचेंज उसमें क्या होता है आपने जो सीएस थ्री बना रखा है या आपने सीएस थ्री बी आर बना रखा है आप उसकी रिएक्शन कराते हो एजीएफ से इससे कराते हो एजीएफ से तो अगर आपने सी एस लिया होता है तो एजीसीएल बाहर निकल जाता है और अगर आपने सी एच लिया होता है तो ए जी बाहर निकल जाता है दो रिएक्शंस को एक साथ लिख रहा हूं कंबाइन करके और साथ में क्या बनता है जो एजी के साथ में F है वो सी एस के साथ जाके जुड़ जाता है और बन जाता है सी एच तो सीएस थ्री को बनाने के लिए हमें ये तरीका अपनाना पड़ता है और इस पर्टिकुलर रिएक्शन को स्वाल्ट अभिक्रिया के, के नाम से जाना जाता है इस पर्टिकुलर रिएक्शन को किस नाम से जानते हैं स्वार्ट अभिक्रिया के नाम से जानते हैं तो F2 इतनी ज्यादा फास्ट रिएक्शन करता है ना कि यार मजा ही नहीं आता बिल्कुल मजा नहीं आता F2 को हम बिल्कुल ये नहीं चाहते कि यार F2 जो है वो रिएक्शन करे तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं फिर हमारे पास ऑप्शन ये होता है कि हम स्वार्ट अभिक्रिया की सहायता से आपका सी एस री बनाने की कोशिश करते हैं आई इतनी स्लो रिएक्शन करता है वेरी स्लो बहुत धीमा ये इतनी ज्यादा स्लो रिएक्शन करता है कि इससे भी करवाने का मन नहीं करता अभिक्रिया और इसकी अभिक्रिया में तो एक पंगा और है देखो क्या जैसे मान लो आपने लिया सी एच फोर और इसकी अभिक्रिया आपने आई टू से कराई प्रकाश की उपस्थिति में तो होगा क्या बनेगा सी सी आई और साथ में बनेगा एच आई अब ये जो एच आई है ना इसके बारे में एक बात सुनो जबरदस्त ये जो एच आई है ये बहुत गंदा गंदा मतलब बहुत शानदार गंदा मतलब होता है मेरे केस में भयंकर वाला ये बहुत ही भयंकर अपचायक है ये जो आपका एच आई है ना ये बहुत ही भयंकर लेवल का अपचायक है चायक मतलब होता है सामने वाले में हाइड्रोजन जोड़ने वाला सिंपल भाषा में लिख देता हूं सामने वाले में सामने वाले में हाइड्रोजन जोड़ने वाला आप आसान भाषा में याद कर लो इसको एच आई हाँ जो है वो भयंकर अपचायक है और इतना भयंकर अपचायक है कि वो सामने वाले में हाइड्रोजन जोड़ने का काम करता है ये भाई साहब सामने वाले में इतनी जबरदस्त तरीके से हाइड्रोजन जोड़ते हैं ना कि इससे निकली हुई हाइड्रोजन वापस इसके अंदर जुड़ जाती है और आपकी चीज वापस से सी बन जाती है तो जो सी ने आई के साथ मिलकर के सी बनाया था उसके साथ में एक ऐसी चीज बन गई एच जो भयंकर अपचायक है जो सामने वाले में हाइड्रोजन जोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है तो ये एच आई इस सी में वापस से हाइड्रोजन जोड़ देगा और वापस से हम पीछे चले जाएंगे और फिर से बन जाएगा सी एच फोर समझ रहे हो तो इस अभिक्रिया के लिए तो आपका जो एच आई है वो बहुत ही बेकार है प्रॉब्लम समझ में आई ये कैप्सूल है आप ना इस कैप्सूल से आप हमेशा आप चाय के बारे में याद रख सकते हो सामने वाले में हाइड्रोजन जोड़ने वाला मेरी बात समझ आई आपको मेरी बात समझ आई मैं क्या कह रहा था मैं ये कह रहा था एच आई हाँ जो है ना वो बहुत ही भयंकर अपचायक है सामने वाले में हाइड्रोजन जोड़ने के लिए मरता है भाई साहब तो अगर ये एच हाँ आई सामने वाले में हाइड्रोजन जोड़ने के लिए मर रहा है तो यहां से एच हाँ निकल के कहां जाएगा सी के पास में उसको वापस एच हाँ मिल गया बैक आ गया सी एच फोर बन गया लॉ हो गया सत्यानाश जो रिएक्शन करवाई थी हो गया बेड़ा गर्क वापस से बर्बाद अब इसका एक रास्ता है इस एच आई को अगर हम कैसे भी करके खा जाए इस एच आई को अगर हम कैसे भी करके खा जाए इस एच आई को अगर हम कैसे भी करके खा जाए तो हमारा काम बन जाएगा क्योंकि एच आई तो है जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है अगर इस एच आई को आप कैसे भी करके खा जाओ तो आपका काम तो बन जाएगा तो इस एच आई को खाने के लिए हम काम में लेते हैं एच आई ओ थ्री इस एच हाँ आई को खाने के लिए इस एच हाँ आई को खत्म करने के लिए हम काम में लेते हैं एच हाँ आई ओथ्री उस एच हाँ आई ओथरी की रिएक्शन हम कराते हैं इस एच हाँ आई से तो ये एच आई हाँ पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और बनता है आई टू प्लस एच टू इस अभिक्रिया को बैलेंस कर लेना आप इस अभिक्रिया को बैलेंस करना आपका होमवर्क है ठीक है बाकी एचआईओ हाँ को अपन अपन ने एचआई हाँ की हेल्प ली अपन ने इस एचआई हाँ की हेल्प ली और इस एचआई हाँ की हेल्प लेकर के इस एचआई हाँ की मदद लेकर के हम खा गए किसको हम इस एचआईओ हाँ थ्री को इस एचआई हाँ की हेल्प लेकर के खा गए बस तो यही तो दिक्कत क्रिएट कर रहा था यहाँ पे ये जो एचआई हाँ है यही तो यहाँ पे समस्या क्रिएट कर रहा था बात खत्म प्रॉब्लम सॉल्व ऐसे मजा लगा बेटा कमेंट करके बताओ ठीक है तो समझ आ गया आपको इनकी अभिक्रिया ठीक ठाक होती है तो यहाँ पे दिक्कत नहीं है इन दो में दिक्कत है ये बहुत फास्ट करता है तो हम स्वार्ट अभिक्रिया के साम की सहायता लेते हैं ये बहुत स्लो करता है क्योंकि इसमें जो एच है वो वापस से रिएक्शन को पीछे ले आता है तो एच को खा करके आप एक रास्ता निकाल सकते हो कि ये रिएक्शन हो जाए ठीक है अब एक बढ़िया सवाल देखो आपको इतना समझ आ गया होगा कि यहां पर मुक्त मूलक बनता है जो आपका सी एच है उसका मुक्त मूलक बनता है तो मान लो आपके पास तीन प्रकार के मुक्त मूलक हैं एक मुक्त मूलक ये है आपके पास एक मुक्त मूलक यह है आपके पास और एक मुक्त मूलक यह है आपके पास अब आप बोलोगे सर इन तीनों में फर्क क्या है जिस कार्बन पर डॉट है वो आगे तीन कार्बन से कनेक्टेड है तो इसको बोलेंगे थ्री डिग्री मुक्त मूलक जिस कार्बन पर डॉट है वो आगे तीन कार्बन से कनेक्टेड है जिस कार्बन पे डॉट है वो आगे दो कार्बन से कनेक्टेड है इसको बोलेंगे टू डिग्री मुक्त मूलक। जिस कार्बन पे डॉट है वो केवल आगे एक कार्बन से कनेक्टेड है वन डिग्री मुक्त मूलक। तो तीनों में से कौन सा रिएक्शन फास्ट देगा ये बात ध्यान रखें ये हमें पूछा जा रहा है सवाल तीनों में से कौन सा रिएक्शन फास्ट देगा तो मैं यहाँ पे आपको एक कैप्सूल बता दूं इसका आंसर आप खोज के आइएगा तो अगली क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा डेफिनेटली कि वन डिग्री मुक्त मूलक वन डिग्री कार्बन मुक्त मूलक वन डिग्री कार्बन मुक्त मूलक सबसे ज्यादा स्थाई होता है उससे कम स्थाई होता है टू डिग्री और सबसे कम जो कार्बन का मुक्त मूलक स्थाई है वो थ्री डिग्री तो अगर अपन कार्बन मुक्त मूलक के स्थायित्व की बात करें अगर हम कार्बन मुक्त मूलक की स्टेबिलिटी की बात करें तो वन डिग्री कार्बन मुक्त मूलक सबसे ज्यादा स्थायी होता है उससे कम स्थाई होता है टू डिग्री कार्बन मुक्त मूलक और सबसे कम स्थाई होता है थ्री डिग्री कार्बन मुक्त मूलक नाउ कम टू द पॉइंट अब इसमें से जो सबसे ज्यादा स्थाई है वही रिएक्शन सबसे अच्छे से देगा तो सबसे फास्ट रिएक्शन कौन देगा वन डिग्री मुक्त मूलक उससे स्लो कौन देगा टू डिग्री उससे कम कौन सबसे कम कौन देगा थ्री डिग्री अब इस स्थायित्व का जो कारण है वो हम अगली क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि क्यों ये ज्यादा स्थाई है बट हाँ कमेंट सेक्शन में आप फटाफट से ये बात बताओ कि आप इस बात को याद रख के इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे कि सर हाँ बात सही है वन डिग्री मुक्त मूलक सबसे ज्यादा स्थाई होता है तो वो जब अभिक्रिया करेगा तो सबसे फास्ट करेगा तो इसीलिए मान लो अपन सीएल टू सामने लेकर के आ गए तो सीएल टू के प्रति अगर अपन क्रियाशीलता देखें अगर सामने सी एल टू हो तो उसके साथ रिएक्शन करने के लिए कौन सबसे तेज भागेगा जो सबसे ज्यादा स्थाई है सबसे स्थाई कौन है ये है तो ये सबसे तेज भागेगा जाना है ना सीएल टू के पास रिएक्शन करने मुक्त मूलक को सेकंड स्टेप में तो कौन सा मुक्त मूलक सबसे तेज भागेगा बेटा सबसे तेज वो भागेगा और सबसे ज्यादा स्थायी है सबसे ज्यादा स्थायी मुक्त मूलक कौन है वन डिग्री तो डेफिनेटली वो सबसे तेज जाएगा मक्खन सभी बच्चों को मक्खन है हाथ ऊपर करके बताएंगे हाँ अब एक छोटी सी बात फैक्चुअल बेसिस के ऊपर यह चीज उल्टी हो गई है थ्री डिग्री मूलक सबसे ज्यादा स्थायी होता है टू डिग्री और वन डिग्री से तो यह कहानी थोड़ी सी उल्टी रहेगी थ्री डिग्री सबसे फास्ट रिएक्शन देगा कार्ब ऋणायन वाली बात दिमाग में रह गई और उस रीजन से हमने उल्टा आपको नोट करवा दिया बाकी इस कहानी की है कि थ्री डिग्री मुक्त होता है कुछ ही बच्चे थे ठीक को फ्लो फ्लो है कोई बात नहीं सर हैं तो ठीक ही होगा कभी कभी कुछ चीजें बहुत बड़ी है कभी कभी कुछ चीजें एकदम से दिमाग में क्लिक नहीं करती है अगर आपको लग रहा है तो आपको कमेंट करना चाहिए चलिए अब इतना परेशान नहीं करते हैं मैं आपको कारण भी बता ही देता हूं ठीक है अब कारण बताना पड़ेगा ताकि आपके दिमाग का कंफ्यूजन दूर हो सके कि ये सबसे ज्यादा स्थायी क्यों है देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं एक दो तीन चार पांच छह सात इसके पास है सात इलेक्ट्रॉन सात इलेक्ट्रॉन का मतलब है ये कार्बन क्या है भूखा है यहाँ जो सारे कार्बन है यहां जो सारे कार्बन है वो सारे कार्बन क्या है भूखे हैं इसके पास भी एक दो देखो बॉन्ड काउंट करो एक दो तीन चार पांच छः सात इलेक्ट्रॉन एक दो तीन चार पांच छः सात इलेक्ट्रॉन तो जो इस कार्बन को खाना खिलाएगा वो उस कार्बन को सबसे ज्यादा स्थाई बनाएगा क्योंकि कार्बन का अष्टक पूरा करने के लिए उसे आठ इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है कार्बन का अस्टक पूरा करने के लिए उसे आठ इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है ही है तो कार्बन भूखा है अब देखो हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट में ये पढ़ चुके हैं कि सी एच सी का प्लस प्रभाव होता है तो इस CH3 का प्लसई प्रभाव है ये इस कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन भेज करके इसका पेट भरने की कोशिश कर रहा है ये सी एच सी जो है ये भी अपना इलेक्ट्रॉन थोड़ा शिफ्ट करके इस कार्बन का पेट भरने की कोशिश कर रहा है ये भी उस कार्बन का पेट भरने की कोशिश कर रहा है मतलब तीन तीन सीएसरी कार्बन का पेट भर रहे हैं कार्बन को कितना मजा आ रहा होगा यहां पर केवल दो सीएच स्त्री है जो अपना आई प्रभाव दिखा करके ये मत बोलना हमें आई प्रभाव नहीं पड़ा पड़ा रखा है दो सीएसत्री अपना प्लसई प्रभाव दिखा करके कार्बन का पेट भर रहे हैं यहां पर एक सीएसत्री ऐसा है जो प्लसई प्रभाव दिखा करके कार्बन का पेट भर रहा है तो सबसे अच्छी बात कौन हुई ये वाली तो यहां कार्बन का पेट सबसे अच्छे से भर रहा है तो यहां कार्बन सबसे ज्यादा स्थाई है बस याद रखिएगा कि कार्बन यहां पे क्या है भूखा और उसे अपना पेट भरना है इलेक्ट्रॉन से समझ में आ गया बॉस तो थ्री डिग्री स्टेबल होगा दिमाग से डिलीट कर दो ये सारी कहानी वन डिग्री वाली कहानी दिमाग से डिलीट कर दो आपका थ्री डिग्री जो है वो सबसे ज्यादा स्थाई होगा कारण भी हमने आपको बता दिया है ठीक है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपके कस्बे में कोचिंग चला रहा हूँ यह सब मैं तीन साल जुड़ा हुआ बहुत कुछ सिखाए विशाल सिंह लेक्चर्स के नाम से कस्बा गुरसराय जिला झांसी बहुत बहुत धन्यवाद और अगर आपके बच्चों का पढ़ते हुए कोई वीडियो हो तो आप टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हैं हमें बहुत खुशी होती है इस चीज़ से और हम रिवर्ट बैक करेंगे और आपके साथ सभी बच्चों के साथ उस चीज को शेयर किया जाएगा ठीक है तो पूरी क्लास शानदार बस लास्ट में थोड़ा सा वन डिग्री टू डिग्री का झांसा हो गया इसको देख लेना याद रखिएगा बस थ्री डिग्री सबसे ज्यादा स्थाई और मैंने आपको ट्विस्ट खत्म कर दिया मैंने कारण आपको बता दिया कि यहां पे आपका कार्बन भूखा है उस कार्बन को तीन लोग खाना खा हाँ, एक और रीजन है इसके पीछे हाइपर कॉन्जुगेशन अति संयुक्म भी एक कारण है जिस कार्बन पे डॉट है उसके पास वाला कार्बन एल्फा कार्बन एल्फा कार्बन एल्फा कार्बन तो यहां पर तीन एल्फा कार्बन है और नौ एल्फा हाइड्रोजन है तो यहां पर अति संयुग्मन संरचनाएं कितनी बनेंगी? यहां पर अतिसंयुग्मन, अब ये मत बोलना ये क्या होता है पढ़ा रखा है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अति संरचनाएं जो हैं, वो नौ बनेंगी जितनी ज्यादा अतिसंयुगमन संरचनाएं होती हैं उतना स्थायित्व ज्यादा होता है यहां पर जिसपे डॉट है उसके पास वाला कार्बन एल्फा उसके पास वाला कार्बन तो एल्फा तो यहाँ पर एल्फा कार्बन कितने हैं पर दो अल्फा कार्बन चार एल्फा हाइड्रोजन है तो यहाँ पर अति संयुक्त संरचनाएं कितनी बनेंगी चार बनेंगी इसमें एक अल्फा कार्बन है तो दो अल्फा हाइड्रोजन हो गई यहाँ पे अति संयुक्त संरचना केवल दो बनेंगी तो जितनी अति संयुगन संरचनाएं ज्यादा होंगी उतना ही स्थायित्व ज्यादा होगा तो आप लिख सकते हो कि स्थायित्व जो है स्थायित्व तो सीधा सीधा समानुपाती होता है किसके आपकी अति संरचनाओं के तो जितनी अति संयुक्त संरचना ज्यादा होंगी उतना स्थायित्व तो ज्यादा होगा कारण नंबर वन जो है वो भी मैंने आपको आई प्रभाव से समझाने की कोशिश करी कारण नंबर वन भूखा कार्बन को खाना खिलाओ और कारण नंबर दो जो है वो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी जो आपको ज्यादा बेस्ट लगा होगा अतिशयमन संरचनाएं जितनी ज्यादा होंगी उतना इससे तो ज्यादा होगा और अतिसमन संरचनाएं बराबर होती हैं बराबर होती हैं अल्फा हाइड्रोजन के और अल्फा हाइड्रोजन मतलब होता है अल्फा कार्बन की हाइड्रोजन अल्फा कार्बन का मतलब होता है जहां पे भी कांड हो रखा है उसके पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन उसके पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन उसके पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन यहां दो अल्फा कार्बन है ये तो हाइड्रोजन है तो दो अल्फा कार्बन की हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन यहाँ एक अल्फा कार्बन है उस अल्फा कार्बन की हाइड्रोजन सॉरी तीन हो गई ना तीन हो गई एक अल्फा कार्बन हो गया हाइड्रोजन हो गई यहां पे तीन ने हाइड्रोजन की काउंटिंग को थोड़ा ठीक कर लेते हैं तीन अल्फा हाइड्रोजन हो गई उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तीन अल्फा हाइड्रोजन हो गई तो यहां पे तीन संरचनाएं बनेंगी यहां पे दो कार्बन हो गए छह अल्फा हाइड्रोजन हो गई तो छह संरचनाएं बनेंगी बट सबसे ज्यादा संरचना किसमें बन रही है इसमें तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये है उससे कम इसमें ये उससे कम स्टेबल है सबसे कम इसमें तो ये सबसे कम स्टेबल है ठीक है बेटा चलो हाँ तो मोटे मोटे तौर पे कहानी अपन ने समझ ली और यही आज की कहानी का क्रक्स था तो उम्मीद करता हूं ये क्रक्स आपको बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आ गया होगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देख करके आइएगा आई को देख करके आइएगा तब बहुत ज्यादा मजा आएगा तो कक्षा बारहवीं के बच्चे यहाँ पे आने लगे हैं और कक्षा बारहवीं के बच्चे बोले सर हमारा टाइम हो गया है है ना चलो ठीक है पढ़ाते हैं तो कहीं भी कोई कारण हो रखा है उसके पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन उसकी हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन पास वाला कार्बन उसका हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन गिन लो पहले चार मैंने इसका डबल कर दिया था जस्ट जबकि यहाँ पे तीन तीन हाइड्रोजन है तो ठीक है काउंटिंग आप लोगों ने चेक कर ली होगी और दो अल्फा कार्बन छह अल्फा हाइड्रोजन ठीक है मस्त चलो तो भाई हमारे ट्वेल्थ वाले बच्चे बुला रहे हैं तो हम जाते हैं वहां पे आप इसका रिवीजन करके रखिएगा है ना और कोर्स थ्री पॉइंट लॉन्च हो चुका है अपने बेस्ट प्राइस पर है इससे कम प्राइस आपको नहीं मिलेगा और एक काम करना मैं तो आपको साफ बोलता हूँ बिल्कुल साफ बोलता हूँ एक काम करना जिस किसी भी आपके पड़ोसी ने आपके सीनियर ने फोर्स टू पॉइंट बैच ले रखा हो ना आशा बैच ले रखा हो उससे जाके बस एक सवाल करना कि भैया बैच ले लूं कि नहीं लूं मजा आता है कि नहीं आता अभी लूं कि वेट करूं वो आपको अपने आप बता देंगे क्या करना है तो जय हिंद टेक केयर